आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि इन व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस, तो आपने क्या किया, आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और आपने उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह आपने व्हाइट लाइट का यूज कर लिया। तो व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस जब होता है तो सेंट्रल में तो एक ब्राइट सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा फॉर्म होता है, या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होता है और उसके बाद उसने ये बोला है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो आपको पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद ऊपर एक दूसरा फ्रिंज नजर आएगा और वो जो फ्रिंज होगा वो डिपेंड करेगा कि फ्रिंज विड्थ कितना है। और आपको पता है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा, ये होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा इज बीटा इज इक्वल्स टू, या इसको लिखते हैं बीटा सी इज इक्वल्स टू 2 times लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब देखो सारी लाइट्स के लिए सेटअप सेम है तो डी बाई स्मॉल डी तो सेम होगा बट लैम्डा अलग होगा। तो जिस लाइट का लैम्डा ज़्यादा होगा उसका उसका बीटा भी ज़्यादा होगा, बीटा इज मोर। तो यानी कि वो जो रे होगी या वो जो लाइट का कलर होगा वो उतना ही दूर जाके बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिंज विड्थ होगी। तो जितना ज़्यादा लैम्डा होता जाएगा वो उतनी ही दूर पहुँचता जाएगा। तो यानी कि आपको क्या चाहिए, नियरेस्ट टू द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। नियरेस्ट होने का मतलब ये है कि जो बीटा हो मस्ट बी लीस्ट, जिसका बीटा सबसे कम होगा उसका लैम्डा वही सबसे पहले आएगा, क्योंकि जिसका बीटा ज़्यादा होगा वो तो उतना दूर जाता जाएगा। तो बीटा मस्ट बी लीस्ट, हेंस जो लैम्डा हो वो भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी लीस्ट। तो अब आपके पास देखो क्या होता है कि जो आपके पास कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, जो प्रिंसिपल कलर्स होते हैं वो होते हैं विबग्योर, ठीक है। और विबग्योर में ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेड कलर होगा ये सबसे दूर रहेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, फार पॉइंट होगा ये, ठीक है। और ये जो होगा ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये है फार्देस्ट और ये सबसे नियरेस्ट, ठीक है। तो आपसे यही पूछा सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सबसे नियरेस्ट कलर कौन सा होगा, तो वायलेट कलर होगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।